हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द एग्ज़ाम हैकर यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज हम लोग यहाँ पे क्या डिस्कस करने वाले हैं? आज यहाँ पे हम लोग डिस्कस करेंगे बास्केट ऑफ एक्स टोपोग्राफी। ठीक है, वैसे तो बास्केट ऑफ एक्स जो हमारी टोपोग्राफी है उसको हम लोग ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, लेकिन यहाँ पे अभी हम लोग जो जियोमॉर्फोलॉजी के जो सारे क्वेश्चन हैं UBPSC द्वारा जो पूछे गए हैं 2021 से लेकर 1990 तक, उन सारे क्वेश्चन को हम लोग यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं। इसलिए इस फ्लो में फिर से इसको हम लोग एक तरह से डिस्कस करेंगे, और यदि आपने आप जानते होंगे तो एक तरह से आपका एक तरह से रिवीजन हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे बास्केट ऑफ एक्स टोपोग्राफी को आज हम लोग यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं। एक बार क्वेश्चन को रीड करते हैं। राइट ए डिस्क्रिप्टिव नोट ऑन द बास्केट ऑफ एक्स टोपोग्राफी। ये हमारे UBPSC 2020 के जियोग्राफी मेंस पेपर वन में पूछा गया था, और ये जो टॉपिक है हमारी जियोमॉर्फोलॉजी से आप इसको रिलेट कर सकते हैं। हिंदी में हमारी अंडे की टोकरी की स्थलाकृति पर एक व्याख्यात्मक टिप्पणी लिखिए। ठीक है, बास्केट ऑफ एक्स टोपोग्राफी को हिंदी बोलेंगे अंडे की टोकरी की स्थलाकृति। तो सबसे पहले आप इसको कैसे आप इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट करोगे? तो यहाँ पे हम ऐसे लिख सकते हैं, बास्केट ऑफ एक जो टोपोग्राफी होती है वो हमारी रिलेटेड है किससे? ग्लेशियल जो लैंडफॉर्म है। ठीक है, ग्लेशियर के द्वारा जो बनने वाले लैंडफॉर्म है उससे हम रिलेट कर सकते हैं बास्केट ऑफ एक टोपोग्राफी का एक तरह से। और ये हमारी क्या होती है कि जब ड्रमलिन एक तरह से ग्लेशियल डिपोजिट लैंडफॉर्म है, तो ड्रमलिन का जो क्लस्टर होता है, एक साथ ड्रमलिन का क्लस्टर जब एक साथ देखने को मिलता है तो उसको हम बोलते हैं बास्केट ऑफ एक टोपोग्राफी। ठीक है, यहाँ पर ध्यान रखना, जो हमारी बास्केट ऑफ एक टोपोग्राफी है वो हमारे ग्लेशियर लैंडफॉर्म से रिलेट करता है, और ग्लेशियर लैंडफॉर्म में एक तरह से डिपोजिशनल जो लैंडफॉर्म है ड्रमलिन्स, तो ड्रमलिन्स जब हम क्लस्टर के फॉर्म में देखते हैं, एक साथ देखते हैं, तो उसको बोलते हैं बास्केट ऑफ एक टोपोग्राफी। क्योंकि इसका जो अपीयरेंस होता है, इसका जो दिखता है, जो हमारा ऐसा लगता है कि बास्केट में यानी टोकरी में अंडे रखे हुए हैं। ठीक है, इस तरह से दूर से आप देखोगे तो इस तरह से हमें स्थलाकृति देखने को मिलती है ड्रमलिन के, तो उसी को बोलते हैं बास्केट ऑफ एक टोपोग्राफी। अब ड्रमलिन क्या होते हैं? ठीक है, सबसे पहले तो बास्केट ऑफ एक टोपोग्राफी का इस तरह से आप इमेज से दर्शा सकते हो। ये हमारे ऊपर वाले ड्रमलिन है, ड्रमलिन के बारे में अभी हम लोग देखेंगे, और हमारे ड्रमलिन का जो क्लस्टर देखने मिल रहा है, एक साथ ड्रमलिन का क्लस्टर देखने मिल रहा है, तो ऐसा लग रहा है कि हमारी बास्केट है और इसमें हमारे एग रखे हुए हैं, अंडे रखे हुए हैं। तो ये हमारा हो गया बास्केट ऑफ एक टोपोग्राफी। अब ड्रमलिन क्या होते हैं? तो ड्रमलिन एक तरह से हमारी डिपोजिशनल लैंडफॉर्म है, किसकी? ग्लेशियर की। ठीक है, तो हमारी ग्लेशियर की, यहाँ पे ई हो जाएगा, तो ग्लेशियर की हमारी डिपोजिशनल लैंडफॉर्म है हमारा ड्रमलिन। और ड्रमलिन कैसे बनता है? जब हमारे ग्लेशियर हमारी फ्लो करती है, ठीक है, इस तरह से हमारे ग्लेशियर क्या है? हिमनदी है। हिमनदी मतलब जो नदी में हमारे रनिंग वाटर होते हैं, वैसे ही हमारी हिम नदी या ग्लेशियर में हमारी आइस हमारी फ्लो होती है, और आइस हमारी फ्लो बहुत स्पीड से नहीं होती है, फ्यू सेंटीमीटर से फ्यू मीटर एक दिन में चलते हैं, यानी धीमे धीमे हमारी फ्लो होती है। तो जैसे ही हमारी ग्लेशियर जब फ्लो हो रही होती है, तो नीचे नीचे क्या होता है, ऊपर तो हमारी बर्फ़ दिख रही है, लेकिन नीचे नीचे कभी कभी वाटर ऐसे पास होता रहता है। तो वाटर पास होते होते क्या होता है, अपने साथ जो डिपोजिशनल जब मोरेन लाती है अपने साथ इरोड करके, वो क्या कहती है, मान लो यहाँ पे ये वाटर पास हो रहा है और यहाँ पे बड़ा सा एक तरह से बोल्डर आ गया, ठीक है, बड़ा सा पत्थर आ गया, तो वाटर इस तरह से पास होने लगी और यहाँ पे सेडिमेंट आके इस बोल्डर में आके यहाँ पे रुकने लगे। ठीक है, तो इस तरह से यहाँ पे डिपोजिट होने लगते हैं और एक तरह से हिल जैसा आकृति हो जाता है, छोटा सा हिल जैसा आकृति होने लगता है, इसी को बोलते हैं ड्रमलिन। ठीक है, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर मान लो एक बोल्डर ये बर्फ़ के नीचे दबा हुआ है। ठीक है, बर्फ़ जब हिमनदी पूरी तरह से गल जाती है तब ये दिखता है, और वैसे फॉर्मेशन हमारी जब ग्लेशियर होती है उसी समय देखने को मिलता है। ठीक है, तो यहाँ पे मान लो बोल्डर एक रह गया और धीमे धीमे आके यहाँ पे सेडिमेंट यहाँ पे जमा होते जाते हैं और हिल टाइप की एक आकृति बन जाती है, जिसकी यहाँ पे सेंट्रल में तो सबसे ज़्यादा ऊँची होती है और दोनों साइड से यहाँ पे इस तरह से इलोंगेटेड होती है। ठीक है, इलोंगेटेड होती है इस तरह से, और इसी को बोलते हैं ड्रमलिन। ठीक है, तो बहुत सारे जब ड्रमलिन वैलीज में एक साथ देखने मिलते हैं उसको बोलते हैं बास्केट ऑफ एक टोपोग्राफी। तो इस वीडियो में दोस्तों हम लोग ड्रमलिन के बारे में डिस्कस किए, ड्रमलिन कैसे बनते हैं, और
डिफरेंट बहुत सारे क्लस्टर ड्रमलिन को देखने मिलते हैं एक साथ, तो उसको बोलते हैं बास्केट ऑफ एक टोपोग्राफी। तो आई थिंक इस टॉपिक से बस इतना ही। तो यदि कुछ भी पॉइंट इसमें और एडिशन आप करना चाहते हैं तो प्लीज़ कमेंट करके उस पॉइंट को ज़रूर शेयर कीजिएगा। तो आज के लिए बस इतना ही दोस्तों, थैंक यू फॉर वॉचिंग, मिलते हैं अगले वीडियो में नए टॉपिक साथ। थैंक यू।